ओम जय जगन्नाथ। स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल इंडिया हमारी शान में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे भारतीय की जिसने रामायण और महाभारत से प्रेरणा लेकर डिजिटल वर्ल्ड में नई क्रांति ला दी। वे इन कहानियों में भरे पड़े इल्यूजन से काफी प्रभावित हुए। आज उनका नाम 20 से अधिक टेक्निकल बेस्ड प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है और उन्हें दुनिया के टॉप 10 बेस्ट इन्वेंटर्स में भी शामिल किया गया है। यहाँ पर बात हो रही है सिक्स्थ सेंस के इन्वेंटर प्रणव मिस्त्री जी की। प्रणव मिस्त्री जी का जन्म सन 1981 में पालनपुर में हुआ, जो गुजरात में है। उन्होंने अपनी बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से मास्टर ऑफ डिज़ाइन की पढ़ाई की। उसके आगे उन्होंने मास्टर इन मीडिया एंड साइंस की पढ़ाई एमआईटी से की। दोस्तों, प्रणव मिस्त्री जी को सिक्स्थ सेंस के इन्वेंशन के लिए जाना जाता है। यह ऐसी टेक्नोलॉजी है जो डिजिटल इंफॉर्मेशन को फिजिकल वर्ल्ड में इंटीग्रेट करती है और किसी भी सरफेस को कंप्यूटिंग के लिए टच स्क्रीन में बदला जा सकता है, जो हैंड गेस्चर से कंट्रोल होते हैं। प्रणव मिस्त्री जी ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना चाहते थे जिससे काम करने के लिए हर वक्त मशीन के सामने बैठना ना पड़े या फिर बार बार मशीन को निकालना या खोलना ना पड़े। यह ऐसा डिवाइस है जो आपके हैंड गेस्चर्स को ट्रैक करता है। इस डिवाइस की मदद से आप केवल हैंड गेस्चर से ही फोटो क्लिक और कैप्चर कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशंस को अपने हाथों को ही सरफेस बना के यूज कर सकते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त वेदर इंफॉर्मेशन डिजिटली देख सकते हैं। मूवीज को कागज के टुकड़े में ही कहीं भी बैठकर देख सकते हैं। कहीं भी बैठकर कागज के टुकड़े में वीडियो गेम्स खेल सकते हैं या नेट में ब्राउजिंग कर सकते हैं। डाटा को मशीन से एक्सट्रैक्ट करके सरफेस में या सरफेस से एक्सट्रैक्ट करके मशीन में डाल सकते हैं। उन्होंने इस टेक्नोलॉजी का आविष्कार इसलिए किया ताकि लोग फिजिकल वर्ल्ड से ज़्यादा इंटरेक्ट हों और वॉक करते हुए, ट्रैवल करते हुए भी काम कर सकें। ऐसा नहीं कि सिर्फ मशीन के आगे ही बैठे रहें। ये टेक्नोलॉजी लोगों की हेल्प करेगा कि वह मशीन के आगे बैठी भी दूसरी मशीन ही ना बन जाए। इस टेक्नोलॉजी में कुछ और बेहतरीन काम करना बाकी है, तब ये सारे लोगों के सामने इजीली अवेलेबल होगा। प्रणव मिस्त्री जी गूगल, नासा, CMU, यूनेस्को और जापान साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम कर चुके हैं। उन्होंने सैमसंग रिसर्च अमेरिका में डायरेक्टर ऑफ रिसर्च का पोस्ट संभाला और अभी वो सैमसंग स्टार लैब्स के प्रेसिडेंट और CEO हैं। इस लैब में इन्होंने नियोन का क्रिएशन किया, जो एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद से रोबोट बिल्कुल मनुष्य जैसा ही दिखते और एक्ट करते हैं और रियल टाइम में ही इंटरेक्ट करते हैं। नियोन प्रणव मिस्त्री जी का ब्रेन चाइल्ड है और ये क्रिएशन बहुत ही ज़बरदस्त और इनक्रेडिबल है। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी बात को कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।